तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं करने वाला हूं अनबॉक्सिंग रिव्यू और 3x गिव अवे फायरबोल्ट की मोस्ट अवेटेड स्मार्ट वॉच का, फायरबोल्ट कोबरा का। जी हां दोस्तों, मैं स्मार्ट वॉच को बहुत ही दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, काफी ज्यादा ऑसम स्मार्ट वॉच है। और अभी जो आपने इसका इंट्रो देखा है वो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि आज की वीडियो में आपको दिखने वाला है इसका मोस्ट रगेड टेस्टिंग। मैं इसको काफी दिनों से टेस्ट कर रहा हूं और इसका जो कैमियो ग्रीन कलर है इस पर मैंने काफी ज्यादा टेस्टिंग करी, और इस वीडियो में आपको दिखने वाली है वो सारी टेस्टिंग। और दोस्तों ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही देना चाहूंगा कि ये सब आप अपने घर पे मत ट्राई करिएगा, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में शायद ही आपको YouTube पे कहीं और टेस्टिंग दिखेगी। आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको फायरबोल्ट कोबरा बाय करनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्च हो रही है अंडर 4000 रुपीस की कैटेगरी में। और मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बता दूंगा कि कैसे आप इसको बेस्ट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अंडर 10000 में भी आज तक इतनी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट वॉच लॉन्च नहीं हुई है, वो आपको इसकी डिटेल टेस्टिंग में दिखी जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, वॉच यूआई, ऐप इंटरफेस और एंड में इसके हेल्थ सेंसर्स की एक्यूरेसी भी टेस्ट करेंगे। तो ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक टेक मंजिल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद भी 4 से 5 नई स्मार्ट वॉच की वीडियो आने वाली है और मैं उसको YouTube पे सबसे पहले पोस्ट कर दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। और उससे पहले अगर बॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं इसमें आपको 1.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के 2 मोड्स भी मिल जाते हैं, जो कि काफी हाई ब्राइटनेस के साथ आ जाते हैं। और अगर कुछ और मेजर हाईलाइट्स की भी बात करूं तो इसमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, 60Hz का रिफ्रेश रेट और बैटरी बैकअप आप वीडियो के एंड में सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये सब हाइलाइट्स अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि मैं आपको डिटेल में इसकी टेस्टिंग क्लिप्स दिखा पाऊं। जैसा आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको वही बेसिक मैनुअल मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी मेन स्मार्ट वॉच आती है, उसको अभी हम साइड में रख देते हैं। और आगे अगर बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मिल जाती है इसकी मैग्नेटिक चार्जिंग केबल, जो कि काफी ज्यादा मोटी और अच्छी बिल्ड क्वालिटी की लग रही है। फायरबोल्ट ने इस बार काफी ज्यादा फोकस किया बिल्ड क्वालिटी पे। और साथ ही साथ एंड में आ जाते हैं हमारे वही टिपिकल पेपर वर्क और मैनुअल, जिसकी अभी आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इसका सेटअप दिखाने वाला हूं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया मेरा फेवरेट कलर और बहुत ही ज्यादा ऑसम बिल्ड क्वालिटी है स्मार्ट वॉच की। सबसे बड़ा हाईलाइट अगर स्मार्ट वॉच का बताऊं तो वो है दोस्तों की ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी स्मार्ट वॉच बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और इजी टू कैरी है। और यहाँ पे आपको मेटल, प्लास्टिक, रबर सारी चीजें मिल जाएंगी और बहुत ही ज्यादा अच्छे से रगेड प्रोटेक्शन मिल रही है स्मार्ट वॉच में। आज की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा ऑसम बिल्ड क्वालिटी है स्ट्रैप्स की। और पिछली बार जैसा आप कह रहे थे फायरबोल्ट ग्लैडिएटर में स्ट्रैप्स रिप्लेसेबल नहीं है, तो फायरबोल्ट यहाँ पे आपकी सारी बातें सुनते हैं और इस बार इन्होंने दे दिया रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स, जो कि काफी अच्छी बात है। बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दिख जाती है और मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट दिख जाएगा। और एक और बात बताना चाहूंगा, मैं स्मार्ट वॉच को काफी दिनों से यूज करूं और इसमें आपको रेड लाइट सेंसर मिल जाता है SPU2 मॉनिटर के लिए, तो बिल्कुल ओरिजिनल सेंसर्स है और उनकी एक्यूरेसी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाई दूंगा। तो बटन्स की बात करें तो कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन यहां पे आपको 2 डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं जिनका पर्पस मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और मेन डिस्प्ले यहां पे 1.78 इंचेस का काफी ऑसम लग रहा है। और जैसा आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि बहुत इजीली इसको प्रोटेक्ट कर पाएगी और डिस्प्ले में आपको स्क्रैचेस और स्मजेस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो दोस्तों ये थी इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, जो कि सबसे ज्यादा जबरदस्त है और आगे की टेस्टिंग में आपको वो क्लियर हो भी जाएगा। तो अभी जल्दी से इसको बूट करते हैं और मैं इसको सेटअप करते तो इसकी ऐप के साथ, जो कि है दाफिट ऐप। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी स्मार्ट वॉच बूट हो चुकी है और काफी ज्यादा ऑसम डिस्प्ले लग रहा है। तो इसमें आपको मिल जाता है 368 पिक्सल्स का पिक्सल रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन मिल जाती है उस वजह से जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल एच टू एच लगता है। और ब्राइटनेस की अगर बात करूं दोस्तों, तो इस बार फायरबोल्ट ने सारी घड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 500 निट्स की है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्राइट फील होती है और आउटडोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ऑल दो मेरा काम इंडोर्स में बिल्कुल मिनिमम ब्राइटनेस में रख जाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी इंक्रीज करके आपको अच्छे से इसमें दिखा देता हूँ। अगर बात करें ऐप कनेक्टिविटी की तो बहुत ही इजी है, आपको सिंपली अपने फोन में दाफिट ऐप को डाउनलोड करके ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन करना है और एक क्लिक करते यहाँ पे स्मार्ट वॉच पेयर हो जाएगी। और सिंगल चिप टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पे आपको पेरेंट कनेक्ट की रिक्वेस्ट डायरेक्टली ऐप के अंदर आ जाएगी और आप ब्लूटूथ कॉलिंग को भी काफी इजीली यूज कर पाएंगे। तो इतना सा था इसका सेटअप प्रोसेस, आगे ऐप के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। UI काफी ज्यादा क्विकली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। और जो मेन डिफरेंस है वो है दोस्तों इसकी डिफरेंट टेस्टिंग में, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन में। उन टेस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो पे, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो वॉच फेस को आप सिंपली यहां से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट स्वाइप करते ही यहां पे आपको बेसिक हेल्थ सेंसर्स और उनका डेटा दिख जाएगा। और साथ ही साथ एंड में आपको वेदर और ऐड कंपोनेंट्स की ऑप्शन दिख जाएगी। राइट स्वाइप करते ही यहां पे आपको क्विक मेन्यू दिख जाएगा, ऊपर स्वाइप करते ही नोटिफिकेशन, नीचे स्वाइप करते ही बेसिक शॉर्टकट्स वगैरह दिख जाएंगे अलोंग विद सेटिंग्स। तो जैसा आप देख ही सकते हैं काफी स्मूथ फंक्शनिंग है इसका मेन्यू। और साथ ही साथ मेन्यू पे जाने के लिए आपको वापस राइट स्वाइप करना पड़ेगा, जहां पे आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे अलोंग विद ट्रेनिंग, जिसमें आपको 123 से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। आगे मेन्यू में आपको एक्सरसाइज रिकॉर्ड जैसे सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे। कैलकुलेटर भी इस बार फायरबोल्ट ने प्रोवाइड किया, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। और
साथ ही साथ फ्लैश लाइट भी मिल जाती है जिसमें आप इजिली इसके बेजल्स चेकआउट कर सकते हैं। तो एंड में अब अगर सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाएंगे जैसे कि ऑटो स्लीप, मेन्यू व्यू, यहाँ पे दो बेसिक मेन्यू व्यू मिल जाते हैं, ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बेसिक ऑप्शन दिख जाएगी। AI वॉइस असिस्टेंट का मैंने लाइव डेमो आपको इंट्रो में दिखाई दिया था, तो ओवरऑल दोस्तों वॉच वे काफी स्मूथ फंक्शनिंग और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब मैं जल्दी से आपको इसके स्पीकर की क्वालिटी दिखा देता हूँ जल्दी से एक नंबर डायल करके। कॉल 198। तो यहाँ से आप सिंपली वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, अपने आपको म्यूट कर सकते हैं, कॉल को फोन में ट्रांसफर कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से कॉल एंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट है। दोस्तों जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा वेट था अब आ गई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके सारे टेस्ट जो कि मैंने करे पिछले कुछ दिनों में। बिल्ड क्वालिटी स्मार्ट वॉच की आपको क्लियरली दिख जाएगी इन सभी टेस्ट के बाद। फाइनली अगर बात करें कंक्लूजन की कि कैसी लगी मुझे फायरबोल्ट कोबरा जो कि इस साल की शायद मोस्ट अवेटेड स्मार्ट वॉच होगी, और मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्मार्ट वॉच वन ऑफ द बेस्ट, नहीं कहूंगा बेस्ट स्मार्ट वॉच है अभी की रेंज में, क्योंकि 3499 रुपीस का प्राइस पॉइंट कुछ भी नहीं है जो बिल्ड क्वालिटी और फीचर्स ये स्मार्ट वॉच दे रही है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी स्मार्ट वॉच मैंने तो आज तक किसी भी ब्रांड की तरफ से नहीं देखी अंडर 10,000 के प्राइस पॉइंट पे भी, और फायरबोल्ट इसको 3499 रुपीस के प्राइस पे लॉन्च करके बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज कर रहा है। तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पे जाके। मैंने इस वीडियो में आपको जो टेस्ट दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्मार्ट वॉच सारी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरी और कोई भी स्क्रैच स्मज या कोई भी खरोच भी नहीं आई स्मार्ट वॉच पे। तो मैं स्मार्ट वॉच से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, स्पेशली इसके रगेड बिल्ड क्वालिटी के लिए। तो अगर आप एक बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाली स्मार्ट वॉच देख रहे थे तो आप इजीली स्मार्ट वॉच के लिए जा सकते हैं, आगे जाके डेफिनेटली इसका प्राइस बढ़ने के बहुत हाई चांसेस है, तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाके जल्द से जल्द इसको बाय कर लीजिए। अब अगर बात करें कि कैसे आप स्मार्ट वॉच के 3x गिवअवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पार्ट फेवरेट था फायरबोल्ट कोबरा या इस वीडियो का, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना है अपने 10 दोस्तों या 10 ग्रुप्स के साथ, और इन सभी स्टेप्स का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आप जितने ज्यादा चाहे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे ही हमारी इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा, मैं हर बार की तरह गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू। तो नीचे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए अपने प्यारे कमेंट से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और लाइक बटन को प्रेस किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।